जनपद में शनिवार को ईद का पर्व सकुशल संपन्न करवाया जाएगा, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ईद के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी थाना क्षेत्रों में ईद की नमाज संपन्न कराने के लिए सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात कर ली गई है और सभी बिंदुओं पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा ईद को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर पीएससी की भी ड्यूटी लगाई गई है। ईद का पर्व सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जैसा कि आप अवगत हैं कि रमजान का पाक महीना इस समय पर चल रहा है। अलविदा की नमाज आज पूरे जनपद के सभी क्षेत्रों में अदा की जा रही है और आगामी दिनों में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर मनाया जाएगा। तैयारियों के संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में और सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी पीस कमेटी मीटिंग्स कर ली हैं। सभी जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके साथ अच्छा समन्वय कर लिया है। इसके साथ साथ लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव जताने के लिए फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च वगैरह सब जगह कर लिए गए हैं। ड्यूटी पॉइंट्स जो हमारे चिन्हित हैं उनके ऊपर ड्यूटी चार्ट्स बन गए हैं, आज भी वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। स्थानीय थाने की फोर्स के अतिरिक्त फोर्स या मुख्यालय से भी थानों को दिया गया, इसके अतिरिक्त पीएसी और अन्य तरह के पुलिस बल भी लगाए गए हैं। अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर और जनता के साथ अच्छा समन्वय बनाने के लिए निर्देशित किया गया है और विशेष रूप से जो हमारा सूचना तंत्र है उसको अराजक तत्वों के ऊपर नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कोई घटना करने का प्रयास करता है तो बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से आगामी त्यौहार की सभी प्रदेशवासियों को जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं।